असलम चिल्ड्रेन हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन एंड डोइंग वेरी वेल चिल्ड्रेन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासीफिकेशन एंड करेटरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लाट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासीफिकेशन और करेटरिस्टिक्स फ्लावरिंग प्लान्स की ठीक है फ्लावरिंग प्लान्ट के करेक्टर्स क्या होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में तो बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स को उनके करेटरिस्टिक्स की बुनियाद पे दो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है द फर्स्ट ग्रुप इज मोनोकॉर्ट प्लांट एंड द सेकेंड ग्रुप इज द प्लांट ठीक है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉर्ड प्लांट को मोनोकॉर्ट प्लांट होते क्या हैं द फ्लावरिंग प्लांट्स विच कंटेन वन कॉटिलेडन ठीक है ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके पास एक कॉटिलेडन होता है उन्हें हम मोनोकोट कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल राइस फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन बैम्बो ये सब के सब जो हैं वो मोनोकोट प्लांट के एग्ज़ाम्पल है अब जो कॉर्टेलीडन होता है जिसकी हम बात करें बेसिकली कॉटेलीडन की बुनियाद पर ही इनको डिवाइड किया जाता है तो कॉटीलीडन होता क्या है कॉर्टिलीडन एक्चुअली सीड लीव होता है ठीक है सीड लीव होता है जो एम्ब्रियो के अंदर होता है जो आपका सीड होता है सीड के अंदर या सीड लीव होते हैं जिस प्लांट के अंदर वो एक होता है उसको हम मोनोकोट कहते हैं और जिन प्लांट के अंदर वो टू होते हैं उनको हम डाइकॉट प्लांट कहते हैं अब बात करते हैं डायकॉट प्लांट की द फ्लावरिंग प्लांट्स विच कंटेन टू कॉटिलेडन आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके अंदर टू कॉटिलेडन होते हैं मेन उनके सी जो एम्ब्रियो है उस पर टू सीड लीव्स हों तो उसको हम क्या कहेंगे डायकॉट प्लांट कहेंगे इसके एग्ज़ाम्पल में गावा मैंगो रोज़ एंड पी दे आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ डायकॉट प्लांट अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस की ठीक है मोनोकॉट प्लांट जो होता है उसमें लीव्स किस तरह के होते हैं और इन दोनों प्लांट्स में फ्लोरल लीव्स किस तरह के होते हैं डायकॉट प्लांट उसमें लीव कैसे होते हैं उसके जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं सबसे पहले बात करेंगे मोनोकॉट की जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसका जो लीव होता है वो स्मॉल इन साइज़ होता है और उसके अंदर जो वेंस होती हैं वो पैरल होती हैं जबकि जो डाइकोट प्लांट है उसकी जो वेंस होंगी वो वेब की तरह से होगी वो नेट की तरह से होंगी इट मीनस वो पूरे के पूरे पत्ते के अंदर फैली हुई होंगी जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा दोनों पिक्चर्स में जो डिफरेंसेज है वो क्लियर नज़र आ रहा है कि मोनोकॉट और डायकॉट प्लांट में क्या डिफरेंस है द स्मॉल लीव्स ऑफ द मोनोकॉट एंड डायकॉट प्लांट आर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स जो छोटे पत्ते होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उनको हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं अब बात करेंगे कि फ्लोरल लीव जो होते हैं मोनोकोट प्लांट में कैसे होते हैं और फ्लोरल लीव डाइकोट प्लांट में कैसे होते हैं जो फ्लोरल लीव्स होते हैं मोनोकोट प्लांट के अंदर वो थ्री या मल्टीपल ऑफ थ्री होगा जैसे कि आपको नजर आ रहा है ठीक है इट मीन उनके अंदर जो फ्लोरल लीव्स होते हैं या तो वो तीन होंगे या वो छह होंगे थ्री और मल्टीपल ऑफ थ्री अब बात करेंगे डाइकोट प्लांट के फ्लोरल लीव्स की जो फ्लोरल लीव्स होते हैं डाइकोट प्लांट के अंदर वो फोर फाइव या मल्टीपल ऑफ फ या फाइव होते हैं चार या पांच होते हैं या इनका मल्टीपल होता है मींस चार या पांच का घेरा होता है फ्लोरल लीव्स का या इनका मल्टीपल हो सकता है और या फिर इसके अलावा पाँच अगर पाँच होंगे तो पाँच होंगे दस होंगे पंद्रह होंगे इस तरह फाइव या फाइव का मल्टीपल होगा उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अफ